Hi guys, welcome or welcome back to my channel. If you're someone who is watching me for the first time, then hi, my name is Swati and I will be really happy if you take a moment and subscribe to my channel and be the part of our family. As you know by the title that this video is going to be about some hair hacks and hair care tips. This video was requested by Rashmi Lalwani. So as I have said that your wish, my command. I just want to be honest with you all. Like I'm someone who is blessed with straight hairs. So ab tak bhi aapne meri jitni videos dekhi hungi, main hair straightener use nahi karti hu. Like these are my normal hairs. Wash hone ke baad ye aise ho jate hain. Earlier they used to be frizzy, but I have implemented certain habits जिसकी वजह से मेरा फ्रीजीनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. इस वीडियो देर आर ऑल्सो सर्टेन टिप्स जो आपकी फ्रीजीनेस को, आपके बालों की फ्रीजीनेस को भी खत्म कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट क्विकली जंप टू द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग इज ऑयलिंग. इफ यू आर समवन जिसको डैंड्रफ है, सो प्लीज ऑयलिंग इट इज नॉट फॉर यू. तो आप प्लीज ऑयल से दूर रहिए, क्योंकि डैंड्रफ में हमारे स्कैल्प को ड्राई होना पड़ता है, ऑयली नहीं होना होता है. इसलिए शैम्पू करने से एक रात पहले आप लगा सकते हैं और शैम्पू करने से 2 घंटे पहले भी लगा सकते हैं. मैं 1 नाइट पहले लगाती हूँ बिकॉज दैट वर्क्स वेल फॉर मी. एंड आई यूज मस्टर्ड ऑयल, सो आई यूज दैट. सो प्लीज़ आप ऑयलिंग करिए. एंड ऑयलिंग करते टाइम गिव योर हेड अ गुड मसाज. उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो होता है एंड फिर आप मॉर्निंग में उससे शैम्पू कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज द राइट टेक्निक टू डू शैम्पू एंड कंडीशनर. मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे हेयर्स ऐसे ही फ्रिज फ्री रहते हैं. सो अगर आपके लिए कंडीशनर वर्क करता है, वेल एंड गुड, गो फॉर दैट. जब आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू जो होता है वो हमारे स्कैल्प के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि शैम्पू का काम होता है डर्ट निकालना हमारे हेयर स्कैल्प से. सो शैम्पू को कभी भी आप अपने लेयर से मत लगाइए. वन मोर थिंग, जब भी आप शैम्पू कंडीशनर कुछ भी लगाते हैं तब आप बाल को ऑपोजिट डायरेक्शन में रब मत करिए, बिकॉज जब हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रब करते हैं वो फ्रीजीनेस कॉज करते हैं. जब भी आप शैम्पू कंडीशनर लगाए, ऑलवेज ट्राई टू गो डाउनवर्ड लाइक दिस. इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप रब करेंगे तो वो फ्रीजीनेस कॉज करेगा. सो इवन व्हेन यू आर डूइंग ऑयलिंग और आप हेयर मास्क कोई लगा रहे हैं यूजिंग कंडीशनर, सो आप ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे. कंडीशनर लेयर्स पे लगता है. मेरे साथ भी जब मैं पहले कंडीशनर यूज़ करती थी, पहले मैं क्या करती थी, शैम्पू कर लिया. शैम्पू होने के बाद व्हेन आई यूज टू कंडीशन माय हेयर्स, कंडीशनर लगाने के बाद मैं उसको शार कैप लगा लेती थी टिल द टाइम आई वॉश माय लाइक रिमेनिंग बॉडी. और उसके बाद उस उतने टाइम में 5 to 10 मिनट्स हो जाते थे एंड देन आई वॉश ऑफ द कंडीशनर. सो इससे क्या होता है, कंडीशनर को टाइम मिल जाता है आपके बालों को कंडीशन करने का. सो अगर आप भी ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ट्राई करके देखिए, क्योंकि यूजली क्या होता है, हम शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करते हैं, उसको 2 मिनट के लिए रखते हैं और फिर हम रिंस ऑफ कर देते हैं. सो गाइज, आई थॉट दैट बिसाइड टेलिंग यू व्हाट आई एग्जैक्टली डू आफ्टर टेकिंग अ शावर, आई थॉट दैट इट वुड बी मच मोर बेटर इफ आई शो यू डायरेक्टली जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाइक शैम्पू के बाद यूज़ करती हूँ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम यूजली टॉवल से अपने बाल ड्राई करते हैं, राइट. बट जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी थे तब मैं कॉटन की टी शर्ट यूज़ करती थी अपने बालों को ड्राई करने के लिए. एंड कोई भी कॉटन की टी शर्ट जो आपकी क्लीन होनी चाहिए एंड आप अपने हेयर्स को पैट ड्राई करेंगे, ट्राई नॉट टू लाइक गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, क्योंकि वो फ्रीजीनेस कॉज करता है. एंड मेरे को वीडियो बनाते बनाते इतनी देर हो गई कि ऑलमोस्ट मेरे बाल अच्छे से थोड़े ड्राई हो गए. सो जब वो थोड़े से ड्राई हो जाएँ, लाइक 4 to 5 मिनट्स के बाद, जब आप पैट ड्राई कर लें 4 to 5 मिनट्स के बाद, यू शुड कॉम्ब योर हेयर विद अ वाइड टूथ कॉम्ब. कोई भी बड़े टूथ के कॉम्ब, डू नॉट गो फॉर पतले वाले हेयर ब्रशेज, बिकॉज हमारे बाल जब गीले होते हैं तो उनकी रूट्स वीक होती हैं एंड ये ऐसा टाइम है जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है. सो ट्राई अवॉइड यूजिंग पतले टूथ कॉम्ब. बेसिकली ये सारी चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं, सो आई रियली होप आपके लिए भी करे. रेस्ट अगर आप ये डीटैंगलिंग करने का जो प्रोसेस है वो अगर आप अपना यूज़ करना चाहते हैं देन गो फॉर दैट ओनली. सो वॉट आई यूज टू डू इज, फर्स्टली आई ट्राई टू डीटैंगल माई स्कैल्प एरिया. As soon as it get detangled, मैं इसको 2 parts में divide करती हूँ.
एंड अब मैं इसको टिप्स से ऊपर तक डिटैंगल करने की ट्राई करूंगी। मैं अपने दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट दूंगी ताकि जब मैं अपने बाल को कोम करूं तो ये रूट्स पे प्रेशर ना डाले। तो हमें हमेशा इस हैंड से सपोर्ट देना है। कैन यू सी कि मैं इस हैंड से सपोर्ट दे रही हूँ ताकि मेरे रूट्स पे प्रेशर ना पड़े और फिर वो रूट्स ब्रेक ना हो। बहुत ईजिली बहुत जेंटली हम अपने हेयर्स को कोम करेंगे। आई हैव शॉर्ट हेयर्स तो मैं दो पार्टीशन करती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट आप थ्री पार्टीशन भी लाइक थ्री पार्ट्स में भी अपने बाल ले सकते हैं। अगेन फ्रॉम टिप्स टू स्कैल्प आई एम गोइंग एज यू कैन सी कि मेरे हेयर अच्छे से कोम्ब हो गए हैं। मैंने इनको पूरी तरीके से ड्राई होने नहीं दिया है, मतलब लेयर से ये अभी भी थोड़े थोड़े वेट हैं, इफ़ यू कैन सी दिस। अगर हम ज़्यादा देर तक उन्हें ड्राई छोड़ देते हैं तो वो उसी ही शेप में हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, फिर वो फ्रीजीनेस कॉज करेंगे। सो इसलिए इट्स बेटर कि जैसे थोड़े जब आपका स्कैल्प थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाए तब आप लेयर्स को अगर वेट भी हैं डजेंट मैटर, आप उसको कोम कर लीजिए। आई डोंट यूज़ कंडीशनर सो दैट्स वाई आई यूज़ दिस सीरम। दिस इज़ फ्रॉम स्ट्रीक प्रोफेशनल। अगेन आई लव मेक श्योर कि मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। पहले मैं अपने पार्ट्स दो पार्ट्स में मतलब हेयर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आई एम गोइंग टू टेक वन टू पम्प्स और मैं इसको अपने फिंगर्स के बीच में लगाऊंगी। एंड अगेन नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और आप डायरेक्टली अप्लाई मत कर दीजिए क्योंकि फिर वो बाल को हेयर्स को ऑयली करेगा। सिर्फ दिस इज द ट्रिक विच आई यूज। यूजली लोग बोलते हैं कि हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद हमारे हेयर्स ऑयली हो जाते हैं क्योंकि वो राइट टेक्निक से नहीं लगाते हैं शायद सीरम। एंड जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो मैं अपने स्कैल्प पे लगा लूँगी बिकॉज हमें अपने स्कैल्प को इतना स्ट्रेट नहीं करना है, अदरवाइज फिर हमारे हेयर्स फ्लैट लगते हैं। सो डन। सीरम जो होता है वो सेमी ड्राई हेयर्स पे लगता है। ड्राई होने के बाद सीरम अगर आप लगाएंगे तो बाल ऑयली हो जाएंगे। सो जब भी आप सीरम लगाएं तो कोशिश करिए कि वो थोड़े से लेयर्स आपकी थोड़ी सी वेट हो तभी आप सीरम यूज करिए। दिस हैक इट माइट हेल्प यू टू गेट अ बाउंसी फिनिश इन योर हेयर्स, जो आपके बाल थोड़े बाउंसी लगते हैं फ्लैट नहीं लगते। सो दिस वर्क्स वेल फॉर मी, मे बी पॉसिबल कि आपके लिए भी वर्क करे। जब तक मेरे बाल ड्राई थोड़े और ड्राई नहीं जाते मैं मिडिल पार्टीशन निकालती हूँ, क्योंकि जब वो ड्राई हो जाएंगे और मैं साइड पार्टीशन निकालूंगी तो वो मेरे को एक बाउंसी ऑटोमेटिकली वो बाउंस दे देंगे। इसकी वजह सिंपल सा लॉजिक है क्योंकि जब आपके बाल ऐसे ड्राई होंगे और जब आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप अपने हेयर्स को कोम करोगे तो वो पुश बैक करेंगे अपने पहले वाले शेप में आने के लिए, इसलिए वो आपको बाउंस इफेक्ट देंगे। अगेन इफ़ यू आर समवन जो हमेशा मिडिल पार्टीशन प्रेफर करता है तो जब तक आपके बाल ड्राई हो रहे हैं आप साइड पार्टीशन निकाल लीजिए, और जब आपके बाल ड्राई हो जाएं आप जब मिडिल पार्टीशन निकालोगे देन अगेन इट विल गिव यू अ बाउंसी इफेक्ट। गर्ल्स आई रियली होप कि मैं थोड़ा सेंस बना रही हूँ एंड आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है देन प्लीज़ लीव योर कॉमेंट्स नीचे, देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगेन। अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल इज आई यूजली यूज दिस हैंडमेड कोम। ये यूजली तो शॉप्स पर नहीं होता, मैंने इसको एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट से ख़रीदा था एंड दिस वाज अबाउट ₹30 ओनली। बट क्योंकि प्लास्टिक के जो कोम्स होते हैं वो फ्रीजीनेस कॉज करते हैं, वो बालों को ड्राई भी करते हैं, बट वुडन कोम ये ऐसा नहीं करते। सो आई यूजली यूज़ दिस। आपको भी अगर किसी शॉप पर मिलता है तो आप ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हैंडमेड कोम। बिसाइड्स यूजिंग अ कॉटन पिलो कवर ट्राई टू स्विच इट विद द सिल्क पिलो कवर बिकॉज कॉटन इट अब्सॉर्ब्स द नेचुरल मॉइस्चर एंड नेचुरल ऑयल्स फ्रॉम योर हेयर, वेयर एज सिल्क प्लो कवर्स इज जस्ट मेक योर हेयर स्मूथ क्योंकि वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करते और वो आपके बालों को ड्राई नहीं करेंगे
एंड रात में सोते टाइम कॉटन के प्लो कवर्स आपके बालों को टैंगल्ड कर सकते थे, बट सिल्क प्लो कवर वो आपके बालों को एफर्टलेसली लाइक मूव होने देते हैं, तो वो टैंगल्ड भी नहीं होता. लास्ट एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम हीट. लाइक आप अपने बालों में इतने सारे हीट यूज़ मत करिए, बट हम लड़कियां हैं हम नहीं मानते हैं. सो अगर आप कोई भी बाल स्ट्रेट कर रहे हो या कर्ल कर रहे हो या क्रम्पिंग कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू यूज़ अ गुड हीट प्रोटेक्टिंग सिरम. आई यूज़ टोनी एंड गाय. सो अगेन आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अंटिल एंड अनलेस इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, तो तभी यूज़ करिए, अदरवाइज डोंट गो फॉर दैट. वेल दैट इज इट फॉर द वीडियो. आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपकी यूजफुल भी रही हो. आई एम प्लानिंग टू मेक अनदर पार्ट ऑफ द हेयर केयर टिप्स जिनको डैंड्रफ है उनके लिए, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट. इन दिस वीडियो द शाउट आउट गोज टू जागृति मखीजा एंड अंजलि सिंह. थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट अ शाउट आउट ऑन माई चैनल, देन आपको कुछ नहीं करना, बस उस सब्सक्राइब बटन को हिट करना है. Apart from it, if you like the video, then please give this video a thumbs up and even share with your friends. आपके friends के लिए भी ये हो सकता है video important हो, so please share with them. Till then, stay happy, stay blessed, फिर मिलेंगे.